जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे क्या कि वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करे। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है, हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो असदुद्दीन जी का कुछ साइट बढ़ गया क्या, तो चश्मा लगा के देखने के लिए बोलिए। तो वही शरीयत क्या कहती है, जो गलत काम करता है उसको हाथ काट दो, जो गलत काम करता है उसके ऊपर पत्थर फेंको। तो वक्फ बोर्ड के लैंड खाली है, सो लोगों को क्या करना चाहिए? ये मत समझिए भाई कि हम कुरान नहीं जानते, हम सब जानते हैं। तो चुप बैठने वालों में से नहीं है हमारे मोदी भाई और अमित भाई। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे क्या, क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतने भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करें? वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है, हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। अरे आज टाइप करो साहब, आप लोग डालो एपिक नंबर, देखो अगर नहीं आ रहा तो। कितने वोट है? 1,60,000 सिर्फ एपिक नंबर से निकलेंगे आपको। क्यों नहीं निकाल रहे जीएचएमसी? अच्छा इलेक्शन कमीशन किससे काम करेगा? फिर जाकर इन्हीं जीएचएमसी वालों से काम करना है ना। तो आप कह रहे, आप खुद कह रहे कि इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही है क्या जीएचएमसी से? कौन काम नहीं कर रहा इधर? जीएचएमसी काम नहीं कर रहा इधर? अब इलेक्शन कमीशन को यह तय करना है जीएचएमसी क्यों काम नहीं कर रहा है। वो तो बोल रहे कि यहाँ पर ऐसा कुछ बोगस वोट है ही नहीं। अरे हम टाइप करके दिखा रहे, तो असदुद्दीन जी का कुछ साइट बढ़ गया क्या, तो चश्मा लगा के देखने के लिए बोलिए। टाइप करके दिखा रहे हम, उनके जैसा बात नहीं करते हम, सब कुछ प्रूफ दिखा के बात कर रहे हम। और वो आज भी क्या कहते हैं कि मुसलमान लड़की प्रधानमंत्री बनना चाहिए हिजाब पहनकर। सऊदी अरेबिया में तो वो लोग मिस सऊदी अरेबिया बनते जा रहे हैं, क्या उन लोगों को नहीं मालूम? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, ये लोग इतने सारे बातें करते हैं ना, तो वही शरीयत क्या कहती है, जो गलत काम करता है उसको हाथ काट दो, जो गलत काम करता है उसके ऊपर पत्थर फेंको। तो वक्फ बोर्ड के लैंड खाली है, सो लोगों को क्या करना चाहिए? अगर तुम पूरे इस्लाम को मानते हो सही मानो, औरंगजेब के फतवे आलमगिरी पकड़ के मत बात करो ये सब मेरे साथ, समझ में आया ना? यही इस्लाम भी कहता है किस प्रकार के पनिशमेंट्स देना है। चुप क्यों बैठे हैं? चुप क्यों बैठे हैं? क्या इस्लाम ये नहीं कहता गलत काम करने वालों के साथ देना गलत नहीं है क्या? चुप बैठना गलत? आप बाबरी मस्जिद के बारे में गलत फाड़ फाड़ के बात कर रहे हैं ना, तो क्यों बात नहीं कर रहे इन वक्फ बोर्ड के लैंडों के बारे में? जब पूरे ग्रेवयार्ड्स मुसलमानों का कब्जा करके अब बिल्डिंग बना रहे, तो दिया क्या ये इस्लाम में? नहीं दिया, ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी होता है ये, कोई भी ग्रेवयार्ड्स पे आप घर नहीं बना सकते। ये मत समझिए भाई कि हम कुरान नहीं जानते, हम सब जानते हैं। अभी साउथ पे अमित शाह भाई और मोदी भाई का कॉन्सेंट्रेट करने का एक ही वजह है, इस प्रकार के AMIM वाले जो पार्टी आती है उनको भड़काकर, उनको भी गलत रास्ता दिखाकर, उनको प्रॉपर्टीजों का, पैसों का और मुस्लिम वोटों का लालच दिखाकर जो गलत काम कर रहे हैं। वहां पे तमिलनाडु में सनातन धर्म को मुंह में आए जैसा बात कर रहे हैं। अब मोदी भाई और अमित भाई समझ लिए, वक्त आ गया कि यहाँ के लोगों को सच पता लगना चाहिए। अब आप बताइए, अगर उनको कोई पार्टी ऊपर आना पसंद नहीं रहता तो अब तक इस प्रकार का वो पहले ही कर चुके होते, लेकिन वो सोचे कि लोकल पार्टीज कुछ तो अच्छा करेंगे लोकल लोगों को, जो उनको समझ में आया ये लोग नहीं करेंगे, ये लोगों के मजबूरी पर, लोगों की गरीबी पर अपना बिल्डिंग बनाएंगे। जब ऐसा जब समझ में आ गया तो चुप बैठने वालों में से नहीं है हमारे मोदी भाई और अमित भाई, आखिर तक जाएंगे, सारा सच्चाई बाहर निकालेंगे और लोगों को उनका न्याय दिलाएंगे। वो लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई भी हो, हम उनके लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, उनका हक दिलाकर ही रहेंगे।